हे गाइस, वेलकम टू गेमर टू गेमिंग। तो आज मैंने लिया हूँ एक नया मॉनिटर, और मेरा पुराना वाला जो मॉनिटर था वो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन एक ही चीज़ था, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, खुद को भी अपडेट करना चाहिए। तो उस अपग्रेड के लिए मैंने एक नया मॉनिटर लिया हूँ, LG अल्ट्रा गियर का। पुराना वाला जो मॉनिटर था वो था एसर प्रीडेटर, वो भी बहुत बढ़िया मॉनिटर है स्टार्टिंग कोई भी गेमर के लिए। तो दोनों का आज कंपैरिजन करने वाले हैं, और दोनों कैसा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और ये दोनों का प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई थिंक 2000 इधर उधर होगा, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस कि मतलब जो चीज़ जिसमें मिलना चाहिए उसमें नहीं मिल रहा, जिसमें नहीं मिलना चाहिए उसमें मिल रहा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ मेरा पुराना मॉनिटर जो है, ये नहीं है, ये एसर प्रीडेटर जो है XP241H। ये जो मॉनिटर है ये रियली बहुत बढ़िया मॉनिटर है, मैं जब लिया था 2019 आप देख सकते हैं 16 जनवरी, तब मार्केट में ऐसा कोई मॉनिटर नहीं था जो इसके IPS में इसके साथ कोई कंपैरिजन कर सके। तो दिस इज़ द बेस्ट मॉनिटर दिस टाइम। तो इसका खासियत क्या था, ये TN पैनल के साथ, ऑब्वियसली TN पैनल के साथ था, G-Sync कैपेबल है। ऊपर से ये जो मॉनिटर है इसके 144Hz रिफ्रेश रेट है, लेकिन जब ओवरक्लॉक करेंगे तो फिर 180 तक ये मॉनिटर जाता है, दैट्स रियली फाइन। लेकिन इसके साथ कोई मतलब हेवी ग्राफिक्स कार्ड जो बोलते हैं हम लोग, वो चाहिए RTX 2060 के ऊपर, 2060 सुपर, मैं हर गेम के नहीं, जैसे कुछ काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, इसमें कोई भी नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड में चल जाएगा, ये अच्छा रिफ्रेश रेट आपको प्रोवाइड करेगा वो सब ग्राफिक्स कार्ड, और इसको इस मॉनिटर के साथ यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कोई हर गेम बोले, जैसे लाइक एपेक्स, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर जो नया गेम है, वो सब कुछ इसमें जो आपको फुल इस मॉनिटर के साथ यूटिलाइज करना है, देन आपको चाहिए 2070 सुपर या 2080 सुपर। ये मेरा रिकमेंड है इस मॉनिटर के लिए, ये मॉनिटर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन चेंज किया हूँ एक चीज़ की, एक नहीं दो तीन चीज़ बोल सकते आप लोग उसके लिए। फर्स्ट जो रीज़न है इसका TN पैनल, लेकिन ये TN पैनल नॉर्मल जो मॉनिटर जो 10-20 हज़ार का आता है, वो सब मॉनिटर से बहुत बढ़िया है। इसका व्यू एंगल बाकी जो TN पैनल है उससे बहुत बढ़िया है, लाइक फट से कोई देख के नहीं बता सकता कि ये TN पैनल है या IPS पैनल है, क्योंकि इसका पैनल रियली गुड, कोई देख के नहीं बोल सकता। और दूसरा चीज़ है कि ये थोड़ा सा ब्राइटनेस का थोड़ा इशू है, मतलब ये जो बोलते हैं DC Marvel जो बोलते हैं हम लोग, वैसा लाइक ये जो मॉनिटर है थोड़ा DC टाइप का है। सो आई होप आप सब लोग समझ गए, थोड़ा ब्राइटनेस का थोड़ा इशू है, और इसमें नया बोलते हैं जो HDR कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा, लेकिन काम बहुत बढ़िया, इतना स्मूथ 24 इंच के साथ 180Hz, रियली OP फॉर इंडियन गेमर्स और प्रोफेशनल। लेकिन ये मॉनिटर जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर, उनके उन लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, फॉर गेमर इट्स रियली गुड, इट्स गुड चॉइस। तो ये मॉनिटर चेंज करने के बाद तो मैंने जो नया मॉनिटर ले रहा हूँ अभी, आई होप आप लोगों को भी पसंद आए, वो है LG अल्ट्रा गियर 27 इंच, 240Hz, 1 MS G-Sync कैपेबल, रियली OP, HDR 10 IPS डिस्प्ले। तो ये चीज़ देख के, और दिवाली का टाइम चल रहा है और ऊपर से ऑफ़र रियली OP, अभी भी ऑफ़र चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं 26,000, ये जो नॉर्मली प्राइस है 28 निकलता है इसका प्राइस, इसका भी 28 ही है, लेकिन ये इसमें आज ऑफ़र आई थिंक नहीं है, लेकिन इसमें ऑफ़र है 26,000। और रियली ये मॉनिटर 26,000 में जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे, मार्केट में कोई ऐसा मॉनिटर है ही नहीं है अभी जो आप लोगों को ये प्रोवाइड कर सके। IPS डिस्प्ले, 1 MS, 240Hz। तो इसके लिए मैंने इस मॉनिटर को अभी परचेस किया हूँ, मेरा जो मॉनिटर ग्राफिक्स कार्ड है इसके लिए अभी 2070 सुपर, लेकिन वो अभी मैंने अभी रिसेंटली सेल कर दिया था, अभी दूसरा और एक अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा आपको, आप लोगों के लिए ग्राफिक्स कार्ड का,
तो आई होप मैं कब मिलता है आई डोंट नो, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का काला बाजार ही चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं कब आएगा, कोई कुछ भी उल्टा सीधा प्राइस में यहाँ पर सेल हो रहा है। तो जो भी इस मॉनिटर के लिए चाहिए 2080 Ti के ऊपर ग्राफिक्स कार्ड। 2080 Ti ठीक है, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसको साइड में रख के मैं बोल रहा हूँ कौन सा ग्राफिक्स कार्ड मुझे मेरे लिए रिकमेंड है 2080 Ti के ऊपर, क्योंकि 240 Hz में ज़्यादातर टाइम एपिक्स या कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब हाई ग्राफिक्स गेम खेलता हूँ कॉम्पिटिटिव में, तो रिफ्रेश रेट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस जो लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हैं। वैसे अगर ग्राफिक्स कम हो तो कोई भी गेम निकल सकता है इसमें। तो HDR10 के साथ, और इसका जो मेन प्लस पॉइंट है ये IPS में 240 और ब्राइटनेस रियली OP। रिसेंटली मैं इसके बाद मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन एसर प्रीडिटर एंड LG अल्ट्रा गियर दोनों का मैं करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग देख पाएंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। और मैं जो बोल रहा था थोड़ा राइट एंड एनिमी डिटेक्शन ये थोड़ा इशू था उस एसर प्रीडिटर में, लेकिन LG में रियली बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस है, एनिमी डिटेक्शन आराम से कर सकते हैं 27 इंचेस के साथ, मतलब ज़िंदगी आसान बना देगा ये। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो, आगे कंपैरिजन देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कैसे हैं आप लोग? तो इसके साथ जो मिल रहा है मॉनिटर के साथ वो है कुछ खास, और वो क्या है, इसका स्टैंड रियली अमेजिंग मैन, ब्लैक एंड रेड लाइक ए अदर प्रीडेटर ओपी। और ये मछली जैसे इसका टंग, आई मीन स्टैंड, स्टैंड बहुत ही बढ़िया, थोड़ा फरारी टाइप का फील दे रहा है। OP फिनिशिंग बहुत बढ़िया था इसका। और इसके साथ मुझे मिला था एक बॉक्स, बॉक्स के साथ मुझे लगा कि कोई स्पेशल कुछ, लेकिन समझ में आ ही गया खोलने के बाद, पावर एडाप्टर केबल, अच्छा क्वालिटी का है ये भी, USB केबल, और ये था HDMI केबल। और ये जो गार्ड होता है वो हेडफोन के लिए, DP केबल, डिस्प्ले केबल आई मीन। और रियली सरप्राइज एडाप्टर, मुझे नहीं समझ में आता कि एडाप्टर था ये इसमें भी। और पेपर वर्क, और जिसका कोई काम नहीं, कॉम्पैक्टिक्स, और इसका स्टैंड रियली थोड़ा एक बार देख लीजिए अगर परचेस किए तो, स्टैंड थोड़ा सा देख के लगना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही स्क्रू पे पूरा स्टैंड टिका हुआ होगा। और थोड़ा कसने के बाद ये जब पूरा टाइट हो जाए देन इसको ऐसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ये मॉनिटर स्टैंड राइट नाउ रेडी, एंड हेडफोन हुक। ये वी आर गो दैट रियली ओपी जी सिंह बैच एनवीडिया। केयरफुली इसको थोड़ा सा देख के इसको लॉक करना है। एक बार लॉक होने के बाद
दैट्स इट। ये देख सकते हैं 240 हर्ट्ज़ पे ऑलरेडी इसको ले चुका है एनवीडिया, रियली ओपी। अभी टेम्प्रोरी में छोटा ग्राफिक्स कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ इसको, लेकिन रियली ओपी 240 हर्ट्ज़ में अभी ये चल रहा है। बाकी सब इस सब ने ले लिया एच डी, ये जो भी है ओपी, इसमें जी सिंक कैपेबल है तो जी सिंक ऑटोमेटिकली ले लिया। दोनों मॉनिटर में मेरा अभी जी सिंक चल रहा है, जी सिंक सपोर्टेड मॉनिटर, इट्स रियली गुड। दोनों को डुप्लीकेट जो ऑप्शन है उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। दूसरा चीज़ है यहाँ पर मॉनिटर घोस्टिंग, यहाँ पर मैंने मॉनिटर घोस्टिंग के लिए घोस्टिंग यूफे टेस्ट जो होता है मैंने वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके मैंने ऑटोमेटिकली चेक किया कि 240 हर्ट्स प्रॉपरली दे रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 240 हर्ट्स फ्रेम रेट दिखा रहा है यहाँ पर आप लोगों को भी, रिफ्रेश रेट थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा स्लो, सब कुछ मैं टेस्ट किए थोड़ा सा जूम करके भी, रियली इट्स गुड। कोस्टिंग थोड़ा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोशन ब्लर, इसमें एसर प्रीडिटर इससे थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया क्योंकि आईपीएस पैनल में जो मिल रहा है रियली ओपी, आप देख ही सकते हैं। अब स्विच करेंगे घोस्टिंग के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं जो एक्चुअली घोस्टिंग बोलते हैं हम लोग, घोस्टिंग एक्चुअली जो कैरेक्टर वहाँ पर नहीं होता है लेकिन दिखाता है कि एक्चुअली वहाँ पर है, ये चीज़ होता है घोस्टिंग। ये घोस्टिंग इस मॉनिटर के लिए उतना जो घोस्टिंग है वो ठीक है, लेकिन उतना जो बोलते हैं परफेक्ट वो चीज़ नहीं है जो आप लोगों को टीएन पैनल में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और ये साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं कि दोनों मॉनिटर का पिक्चर क्वालिटी और क्लियरिटी कैसा है। ये जो लेफ्ट साइड में है वो बड़ा साइज़ का वो एलजी अल्ट्रा गियर, और ये है एसर प्रीडिटर, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एलजी राइट एसर प्रीडिटर, दोनों में देख सकते हैं ब्राइटनेस का जो मैं बोल रहा था इशू वो रियली इसमें दिख रहा है, और पिक्चर रियली क्रिस्पी एंड रियली गुड इन एलजी। और एसर भी उतना पीछे नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो ही बोला हूँ ब्राइटनेस कलर प्रोडक्शन में थोड़ा सा, लेकिन टीएन पैनल में जो एसर प्रीडिटर प्रोवाइड कर रहा है ये बोला रियली ओपी, और आईपीएस का तो मजे ही मजे है भाई, रियली ओपी। जो ट्रू बोलते हैं फर्स्ट वो है टीएन पैनल, रियली मुझे बहुत मजा आया दोनों मॉनिटर का कंपैरिजन करने में, और दोनों मॉनिटर का पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर ये एल जी अल्ट्रा गियर रियली बोल रहा हूँ मैं, ये एल जी अल्ट्रा गियर अगर मेरे पास अभी नहीं रहता तो मुझे मैं बोलता कि यही भाई सब कुछ है एसर प्रीडिटर, यही सब कुछ सबसे बढ़िया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा गेम प्ले मैंने देखा हूँ एल जी में कैसा आ रहा है, और ब्राइटनेस के साथ और बहुत ही बढ़िया। अभी उतना फ्रेम रेट मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि अभी जो नया ग्राफिक्स कार्ड आने वाला है वो नहीं मिला, लेकिन पहले से बहुत बढ़िया, जैसे मुझे लग रहा है कि सब कुछ आसान है, जैसे एनिमी का हेड बहुत बढ़िया दिख रहा है, स्प्रे एंड शूट आउट रियली ओपी, मूवमेंट रियली ओपी, पहले से बेहतर। और थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि दूसरा जो होता है ना सेकेंड सन राइजर वैसा टाइप का, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मैक छोड़ के विदाउट एक्स्ट्रा मैक ट्राई किया कि देखता हूँ कि नहीं इसमें भी ओपी, बहुत बढ़िया लगा ये एक मॉनिटर के साथ जैसे कोई फास्ट गेम खेलने में। ये चीज़ होना चाहिए कि नया चीज़ लेने के बाद अपसेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करके लेना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया, जो दूसरे यूट्यूबर से उन लोगों से मैंने वीडियो देखा नॉलेज लिया, देन मुझे लगा कि ना मुझे भी कुछ बनाना चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।